और युवराज कहूँ या और कुछ कहूँ, श्री राहुल गांधी जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में गुफ्कार संगठन बनाए, अलायंस बनाए, 8 दलों ने एक होकर बनाया है। अब इसको मैं गुफ्कार अलायंस कहूं या एंटी नेशनल अलायंस कहूं या एंटी पीपुल अलायंस कहूं, क्योंकि इसमें शामिल जितने नेता हैं सब राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं। नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला 11 अक्टूबर को एक टीवी समाचार चैनल से बात करते हुए ये कहते हैं कि हम चीन की मदद से धारा 370 की वापसी कराएंगे। 23 अक्टूबर को महबूबा मुफ्ती जी बोलती हैं कि हम उस वक्त तक तिरंगा नहीं उठाएंगे और ना ही किसी को उठाने देंगे जब तक कि हमारे कश्मीर का झंडा हमें वापस नहीं मिल जाता। राहुल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए, क्योंकि श्रीमान राहुल गांधी जी वो नेता हैं जिन्होंने धारा 370 को असंवैधानिक संविधान के खिलाफ कहा था और देश की सुरक्षा को खतरा बता दिया था। और ये कांग्रेस पहली बार नहीं कह रही है, देश की आजादी के समय से ही। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्ता जल्दी प्राप्त करने की चाह में देश के विभाजन को स्वीकार किया था, देश का विभाजन करवाया था। वो आदरणीय पंडित नेहरू जी थे जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 लागू करवाई। वो पंडित नेहरू ही थे जिन्होंने एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान की व्यवस्था करके कश्मीर को भारत से समरस नहीं होने दिया था। वो पंडित नेहरू ही थे जिन्होंने कश्मीर के मामले को, जो हमारे देश का आंतरिक मामला था, संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाकर जनमत संग्रह तक की बात करी थी। उस अलगाववादी मानसिकता से कांग्रेस आज भी नहीं उभरी है। और गुफ्कार संगठन कहूं कि गुप्तचर संगठन कहूं, ये तो चीन और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लोग हैं। और वस्तुतः ये कोई गठबंधन नहीं है। रोशनी कानून की आड़ में ये गुफ्कार संगठन के नेताओं ने 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन हड़प ली जम्मू कश्मीर की। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते रहे, ये कश्मीरी बेटा बेटियों के हाथ में पत्थर थमाते रहे। इन्होंने विलासतापूर्ण जीवन जिया, कश्मीर को लूटने की आजादी इनको थी, और जम्मू और कश्मीर को अंधेरे में धकेल दिया। आज ये सब इकट्ठे होकर देशद्रोह की भाषा बोल रहे हैं और कांग्रेस भी इनके साथ शामिल है, इनके साथ खड़ी हुई है। एक और युवा नेता है कांग्रेस के कश्मीर के, जहांजेब सिरवाल, उन्होंने विवादित बयान दिया कि अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले जो बाइडेन से आर्टिकल 370 को लागू करवाएंगे
कांग्रेस बताया गया, कुछ और सुनना बाकी रह गया है। और फारूक अब्दुल्ला ने देश विरोधी बयान को पहली बार नहीं दिया है, कई बार राष्ट्र के खिलाफ बोले, भारत के खिलाफ बोले, हमारे देश के खिलाफ बोले। आतंकी मकबूल वट से उनके रिश्ते से सब परिचित है। कांग्रेस का ये सफाई देना कि गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा नहीं है, बेतुका और तथ्यों से परे है। कांग्रेस गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा तब भी थी, अब भी है, और ये उनके कश्मीर के नेताओं के बयानों से स्पष्ट हो रहा है। कांग्रेस गुपकार डिक्लेरेशन के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ रही है, जो जिला विकास परिषद के चुनाव वहां हो रहे हैं। वास्तव में कांग्रेस हमेशा से इन देशद्रोही ताकतों का साथ देती रही है, यहां तक कि पी चिदंबरम साहब खुलेआम करें, गुलाम नबी आजाद करें कि कश्मीर से धारा 370, कश्मीर में धारा 370 फिर से बहाल होनी चाहिए। 13 नवंबर को जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति ने गुफकार गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की थी, और गुफकार में स्थित महबूबा मुफ्ती के फेयरव्यू आवास पर हुई गठबंधन की बैठक में कांग्रेस के दो नेता भी शामिल हुए थे। महबूबा मुफ्ती के आवास के बाहर कांग्रेस के नेता गुलाम नबी मोगा ने संवाददाताओं से कहा था, हम गठबंधन के साथ हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या गठबंधन के सदस्य दलों में कोई मतभेद है, मोंगा ने कहा था, कोई असहमति नहीं और स्वस्थ चर्चा हुई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांग्रेस के प्रमुख श्री फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा था कि कांग्रेस गुफकार घोषणा पत्र गठबंधन का हिस्सा है। फारूक साहब ने कहा था कि जिला विकास परिषद के चुनाव हम साथ मिलकर लड़ेंगे। अब्दुल्ला साहब का यह बयान कांग्रेस के उस फैसले के बाद आया है जिसमें पार्टी ने डीडीसी चुनाव में उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था, और गठबंधन के जो उम्मीदवार सामने आए उनमें से 3 कांग्रेस के। 13 अक्टूबर 2020 को महबूबा मुफ्ती साहब रिहा की गई थी, उसके पहले फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब इनको रिहा किया गया था। अब हिरासत से रिहा होने के बाद, आजाद होने के बाद ये देश के खिलाफ विश्व भवन पर उतरे हुए हैं। मैं अब कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूं कि वो कांग्रेस का धारा 370 के बारे में दृष्टिकोण क्या है, मैडम श्रीमती सोनिया गांधी को स्पष्ट करना चाहिए। क्या उनकी अलगाववादी मानसिकता फिर धारा 370 और 35 ए को हटाने के पक्ष में वो दोगली और दो मुही बातें क्यों कर रहे हैं? आतंकवादियों के साथ उनके रिश्ते क्या है? बटाला हाउस एनकाउंटर के बाद क्यों श्रीमती सोनिया गांधी रात भर आंसू बहाती रही? क्यों दिग्विजय सिंह आतंकवादियों के साथ खड़े हुए? मित्रों, ये अब्दुल्लाओं, मुफ्तियों और एक परिवार के गांधियों की एकजुटता का कारण
लूट की अपनी दुकान कश्मीर में बंद हो जाना है, धारा 370 हटने के बाद कश्मीर, जम्मू और कश्मीर खुली हवा में सांस ले रहा था। जिन गलियों में कभी खून के निशान दिखते थे, वहां प्राकृतिक सौंदर्य की सौंधी महक सुगंध आने लगी थी। जम्मू और कश्मीर की जन्नत में फिर से जहर घोलने के प्रयास किए जा रहे हैं, और उन प्रयासों में कांग्रेस साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है, और इसलिए कांग्रेस को अपने दृष्टिकोण को जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए। क्या कांग्रेस गुफकार अलायंस के साथ खड़ी है? आज मैं मैडम श्रीमती सोनिया गांधी से ये पूछना चाहता हूं, और देश भी ये जानना चाहता है, क्यों धारा 370 के विरोधी है, क्यों कश्मीर की फिजाओं में फिर से जहर घोल के आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्यों उनके बयान और उनका दृष्टिकोण आतंकवाद और आतंकवादियों के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे तो इतना ही कहना था। आप जो गुप्तकार जो अलायंस के दो अलायंस के गुप्तकार उसके संग के जो बता रहे हैं, उसके पीडीपी के साथ आप जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बना चुकी है, एनसीपी एनडीए का हिस्सा रही है, तो ये सर अभी विरोधी इसलिए चलते हैं या फिर नजरिया जो बीजेपी का? किसी भी राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण वालों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रहेगी, और इसलिए हम उस गठबंधन से बाहर हो गए थे, वो सरकार गिरी थी। तो क्या ऐसी लद्दाख में राष्ट्रद्रोह है, इस पे कुछ कार्रवाई की अपेक्षाएं अपनी केंद्र सरकार से बनती है? सही बात तो यह है कि रोशनी की आड़ में हजारों करोड़ रुपए के जो जमीन घोटाले हुए उसकी जांच अब सीबीआई कर रही है, और जांच की आंच जब गुफकार अलायंस के लोगों के पास, नेताओं के पास आने लगी, तब उन्होंने बचने के लिए इस तरह के अलायंस बनाए, और कोई भी देशद्रोही दृष्टिकोण हो, देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। सिंहा जी, क्या ये जब वहां डीसीसी के चुनाव शुरू हुए तभी बीजेपी को समझ में आया कि सब हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो जो ऐतिहासिक भूल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, हमने देश को वचन दिया था कि जब पूरी तरह से बहुमत में आएंगे 370 समाप्त करेंगे, 35A समाप्त करेंगे, हमने समाप्त किया। लेकिन तब से कांग्रेस और बाकी लोग जो कर रहे हैं, इसलिए सवाल हम पूछ रहे हैं, लद्दाख में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलायंस है उससे क्या बीजेपी पुनर्विचार कर रही है? भारतीय जनता पार्टी का किसी भी एंटी नेशनल पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं रहेगा। सर, दूसरे पहले आपने सर ग्रुप कमेंट के ग्रुप कमेंट गठन किया था, और दूसरे बाद आप आगे मामला ग्रुप कमेंट करने वाले हैं, वहां पर मसला है, वहां बड़े मैदान पर गायक की मंडी संख्या के वाले कमर आ रही है। मैं खुद भी व्यवस्थाओं को देखूंगा। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें एक नहीं एक से ज्यादा विभागों को साथ लेना पड़ता है। हमने पहले भी पर्यटन के लिए पर्यटन नीति बनाई और 5 विभागों को इकट्ठा साथ किया, उसमें जमीन चाहिए अगर तो रेवेन्यू चाहिए, अलग अलग तरह के कई मामले होते हैं, उसको अलग तरह की कैबिनेट के रूप में, ना तो पर्यटन अब रोजगार के लिए आज मैं बना रहा हूं, रोजगार हमारा फोकस है, और रोजगार अगर देना तो एक विभाग के बस का काम नहीं है, और इसलिए मैं आज रोजगार के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना रहा हूं। वैसे ही गो संरक्षण और संवर्धन केवल पशुपालन विभाग नहीं कर सकता,
इसलिए कोई अलग कैबिनेट के रूप में ना ले, मैं ये भी स्पष्ट कर रहा हूं। लेकिन अगर गौशाला के लिए जमीन चाहिए तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जरूरी है, हमको फंड चाहिए तो पंचायत और ग्रामीण विकास का उपयोग करके हम गौशालाओं का निर्माण करते हैं, अगर हमको चारागाह विकसित करना है तो फॉरेस्ट की जरूरत भी है। और इसलिए समन्वित प्रयास और कोऑर्डिनेशन से काम चले, इसलिए हमने एक मंत्रियों की समिति बनाने का फैसला किया जिसमें उनके पीएस भी रहेंगे। और यह केवल एक विषय नहीं, बाकी विषयों के बारे में भी हम पहले भी ये कर चुके हैं। आपको जानकारी है कि पर्यटन के मामले में कई विभागों को जोड़ के हमने टीम बनाई, समिति बनाई थी। आज पहले एक मिनट, आज मैं विस्तार से 3 बजे कोरोना की समीक्षा कर रहा हूं। कोरोना को रोकने के लिए जहां जो आवश्यक है वो उपाय किए जाएंगे, लेकिन आज की जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका मूल विषय यही था, बाकी विषयों पर चर्चा के लिए मैं उपलब्ध रहूंगा।